जय हिंद। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ जाता है। सबसे पहले हम नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे। देखिए कौन कौन सी है। ओल्डेस्ट पार्क और फर्स्ट पार्क जो है वो है जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जीम कॉर्बेट का नाम चेंज हो गया, उसका नाम है राम गंगा उत्तराखंड में। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाईएस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पार्क जो हाईएस्ट पार्क है वो हैमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। हैमिस नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। किसके लिए? स्नो लेपर्ड के लिए। नगरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। कर्नाटका में नगरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इंडिया की वो रन ऑफ कच्छ में है। दच्चिगम नेशनल पार्क जेएनके में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क दोनों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी और नेशनल पार्क भी है, ये भी कर्नाटका में है। नगरहोल भी कर्नाटका में है, बांदीपुर भी कर्नाटका। सुंदरवन जो है ये वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम की। मानस असम में है। सिंपली पार्क भी उड़ीसा में है। और गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात। गिर नेशनल पार्क बहुत फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक लायन दुनिया में सिर्फ गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं। और गुजरात के पहाड़ों को भी गिरनार के पहाड़ कहा जाता है। रणथंभौर राजस्थान में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब इसका नाम राम गंगा है। क्या है? राम गंगा। केलोडियो नेशनल पार्क, ये भी बड़ी भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केलोडियो नेशनल पार्क दोनों ही कहाँ पे है? राजस्थान में। सिरसिका नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में। कंचनजुंगा सिक्किम में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हेली जो जिम कॉर्बेट का नाम पहले हेली नेशनल पार्क रखा गया था 1936 में। जिम एक व्यक्ति थे, ब्रिटेन से आए थे, वो कंट्रोल करते थे टाइगर्स को, जिसकी वजह से उनका नाम क्या रखा गया, इस पार्क का नाम ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। साउथ बटन ये सबसे छोटा पार्क है अंडमानी को मार में। स्मॉलेस्ट पार्क पूछ सकते हैं ये है, और हाईएस्ट पार्क पूछ सकते हैं तो हैमिस नेशनल पार्क है। और सबसे ज्यादा पार्क कहाँ पे इंडिया में? मध्य प्रदेश में। और फॉरेस्ट जो कवर करती है सबसे ज्यादा वो भी मध्य प्रदेश में।